Hi Varies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. All the links will be in the description box. Namaste, this is Dvija, aur kaise hain aap? Finally, okay, we are here with reacting to Harsh Beniwal. मैंने बहुत बार बोला है, किसी और के वीडियो में बोला है ऑफकोर्स, लेकिन दो भी काफी बार बोला भी था ये कि द ओनली रीजन मैं इनके वीडियोस नहीं कर रही हूँ आगे इज बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स. और अगर उनका कोई वीडियो होगा जिसमें कॉपीराइट्स नहीं आएंगे इतने भर भर के तो मैं डेफिनेटली करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर वीडियोज जिसमें अडल्ट चीजें हैं, इट्स गालियां भी है, बट कंटेंट अच्छा है तो आई राइट टू इग्नोर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ. तो मैं इनके वीडियो में भी वही चीज कर सकती हूँ. द ओनली रीजन दैट्स ब्लॉकिंग इट इज द कॉपीराइट्स. बहुत सारे कॉपीराइट्स, एक नहीं, एक वीडियो में बर्फी वाले जो वीडियो में वो प्राइवेट हो गया था बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट्स, इट गॉट पार्शली ब्लॉक्ड, इसलिए आपको नहीं दिख रहा था वो चीज, राइट? इट गॉट पार्शली ब्लॉक्ड बिकॉज आई हैड लाइक 4 to 5 कॉपीराइट्स इन दिस वन वीडियो. और उसको निकालते निकालते मुझे ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स लग गए, उसके बाद आई कुड इट कुड बी सीन अगेन. सो आई डोंट वॉन्ट डू द सेम थिंग विद बर्फी पार्ट 2. मैं खुद देख लूंगी फॉर श्योर, लेकिन वो रिएक्शन नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट्स. और उनके कोई आगे के वीडियो में भी वैसी चीज होगी तो मैं उसके आगे नहीं कर पाऊंगी. आई हैव ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो और अभी तक तो मुझे कोई कॉपीराइट्स नजर नहीं आ रहे, तो फिंगर्स क्रॉस कैसा हो और ये वीडियो रहे और ऐसे ज्यादा वीडियोज आए तो उनके वीडियो में कर पाऊंगी. इट्स अ डे विद क्रिंज टिकटॉकर, बेसिकली आई थिंक ये हर्ष बेनीवाल का टेक है टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब पे. बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था व्हेन आई डिड R2H एंड व्हेन आई डिड कैरी के वीडियोज. सो लेट्स गो, होपफुली विल एंजॉय एंड आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं उनके रिएक्शन. अगर नहीं आया तो मैं आई कांट हेल्प यू, आई डिड माई पार्ट, मैंने समझाने का पूरा ट्राई किया और समझना नहीं समझना वो आप पे है. So I can't do anything over that. But yeah, let's go. Okay, hashtag says roast nahi fry karunga. Okay, fine. Chalo, let's see the fry of this plane. Picture abhi baki hai mere dost. Picture abhi baki hai. Hey guys, मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट मोहित, और आज हम एक महान हस्ती के घर नहीं आए, हम आए उनके घर जिनमें भरपूर टैलेंट की काफी कमी है. इंडिया के मोस्ट फेमस कंटेंट क्रिएटर, ऐसा खुद को सोचने वाले, छपरी के छपरी महाछपरी लॉर्डी भाई, आइए चलते हैं. आइए देखते हैं ना टिकटॉक की वीडियो, पढ़िए पैर ना धस जाए. हम आ गए हैं लॉर्डी भाई के घर पे, बेल बजाते हैं और उन्हें बुलाते हैं बाहर. बेल पे जूम में अच्छा बेल में भी वही बजता है. जी मालिक हैं घर पे? जी मैं ही मालिक हूँ. माना कि सारे टिकटॉकर्स की बहुत घटिया शक्ल है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी हमने आपको टिकटॉकर बताएगा. अरे आप तो पहले ही इंडियन आंटियों की तरह जज करने लग गए. ये लीजिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो दो पाउडर, ये ट्रांजिशन और दो. ओहो बस बस आ जा, तुझे आसमान में ले चलू चांद को उसकी औकात दिखाने. समझ रहे हो, अब यकीन आया मैं टिकटॉक करूं, आया यकीन? सोचते नहीं हो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. A day with cringe TikToker. Okay. रेडी ओके कैमरा रोलिंग है. ओके तो कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ? ये मत बोलिए प्लीज. क्यों? अच्छा ओके, बहुत दर्द होता है. ये नहीं, इसको कैरी सेव दैट राइट. हर्ष की एक्टिंग हैज़ ऑलवेज़ बीन ऑन पॉइंट. हाउ आर यू? जी मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ. सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आपका नाम लॉर्डी भाई कैसे पड़ा?
देखिए इसके पीछे किस्सा है। क्या है ना कि जब मैं बचपन में छोटा था तो बचपन में छोटा लॉडी लॉडी कह के बुलाते थे, ए लॉडी इधर आ, ए लॉडी इधर आ। तो इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट, इससे मेरी पहचान भी बरकरार रहेगी। और आपने सुना होगा कि लॉडी हमेशा बहन की होती है, तो मैंने सोचा भाई की क्यों नहीं, इसलिए लॉडी भाई। आप इतने फेमस हो, आपको इतने लोग जानते हैं, आपका कंटेंट लाखों लोग देखते हैं, तो इस कंटेंट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? सी कंटेंट नहीं, कंटेंट होता है। अगर आपको कंटेंट देखना है तो आप यूट्यूब पर जाओ, यहाँ तो आपको कंटेंट ही मिलेगा। और देखो मुझे कंटेंट बनाने में 4 घंटे लग जाते हैं, मतलब मुझे तो लग जाते हैं, मुझे औरों का नहीं पता। और उसको एडिट करने में और अलग से फटती है, उसको स्मूथ बनाने में और अलग से फटती है, उसको अपलोड करने में और अलग से फटती है, और जब उस पर लोग गाली बकते हैं तो और अलग से फटती है। तो लगभग इतनी फटवाने के बाद हमारा एक कंटेंट आता है, तो यही है बस। इसका रेफरेंस नहीं पता बिकॉज़ आई डोंट नो टिकटॉक और टिकटॉक पीपल, इट्स वेरी अननोइंग। कॉप अप विद दीस शिटी कमेंट्स। सी क्या होता है ना कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ नया करते हो ना लीक से हटके, तो गाली पड़ती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना एज अ टिकटॉकर, तो मुझे भी गाली पड़ी थी। इनफैक्ट जब आपने आर्जिंग शुरू की होगी तो आपको भी पड़ी होगी, तो मेरे को भी ऐसी पड़ती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। गेट खोलो आराम से, बनाऊं तेरे टिकटॉक फैन से दिला दो तेरे को पॉपुलर क्रिएटर। गेट खोल बेटा, तोड़ू तेरे रिंग लाइट। गेट खोल मेरा। नमस्ते भैया। नमस्ते, गई तेरी मां ने। 4-4 घंटे लगते तेरे को गेट खोलने में, माना तेरे को 4 घंटे टिकटॉक की वीडियो बनाने में लगते। ब्लैक आई, यूट्यूबर का मकान है ना, मैंने किराया नहीं दिया तो टाइम टू टाइम मारता रहता है। कट कर देना प्लीज इसे। जैसे मैं बता रहा था कि क्रिंज टिकटॉकर को गाली पड़ती है, और मैं क्रिंज नहीं हूँ, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल में क्रिंज नहीं हूँ, और हमें गाली इसलिए पड़ती नहीं है, वो सिर्फ क्रिंज टिकटॉकर गाली पड़ती है। अगर आपको लगता है कि मैं क्रिंज हूँ तो मैं आपको अपनी वीडियो दिखाता हूँ, एक भी क्रिंज हो तो आप मुझे बता देना। ये देखा उस हरामी को हमें मिटाना है। okay. गोली नहीं मारेगी, के साथ वीडियो किया है ना, कह के लेंगे उसकी। है ना मस्त, है ना मस्त। मैं कह रहा था आपको गाली नहीं पड़ती। ये क्या लिखा है? उस 100 कमेंट में एक हेटर तो होगा ही, तो वो हेटर का कमेंट होगा। पर उसमें तो 3 ही कमेंट। आप बहुत फनी हो, आप बहुत फनी हो, आपको यूट्यूबर होना चाहिए। So, अब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? लाइक हाउ दे रिएक्ट नाउ? वो शुरू से ही इतने सपोर्टिव रहे हैं? देखो क्या चीज़ है ना कि मेरे घर वाले तो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं शुरू से, और सपोर्टिव मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव। ये बोला है ना इस घर में टिकटॉक नहीं बनेगी। प्लीज माफ कर दो माय गॉड, शर्ट पहन के टिकटॉक बनाने लग जाता है। काफी सपोर्टिव। अरे क्यों मार रही हूँ इसको? तेरा बेटा टिकटॉक बना रहा है, पूरी कॉलोनी में नाक कटवा रखी है इसने मेरी। जब भी दोस्तों के साथ मुजरे का प्लान बनता है ना, तो साले मेरा हाथ पकड़ के मेरे ही घर ले आते हैं और कहते हैं 25 रुपए फालतू ले लो, पर इसका ठुमका दिखा दो। और इससे अच्छा तो वो लड़का है जो 200 रुपए में मिठाई की दुकान पे बिक जाता है, और ये 25। तू इतनी सी बात पे बेल्ट से क्यों मार रहे हो इसको? चप्पल से मार। चप्पल ओपी तन्मय बट के मम्मी पापा पे टाई रखी। रो क्यों रहे हैं? रेफरेंस खुशी के आंसू है, खुशी का आंसू है मेरे। कट कट के मेल टिकटॉकर्स को काफी वीडियो में किया जाता है, कहते हैं कि वो मुजरा करते हैं और आइटम सॉन्ग करते हैं, तो इस सब पे आपका क्या कहना है? सी सबको नहीं कहते ऐसे, पहली बात तो कुछ कुछ को कहते हैं जिनके अंदर वैसी हरकतें हैं, और
एज अ बींग अ गाय मेरे को नहीं लगता मेरे अंदर ऐसा एक भी ट्रेट है जिसे लोग मुझे मुजरा वाला कहें या कोई ऐसे आइटम वाला कहें। I disagree to this. They can do whatever they want and still be a man. Like, no. सब कुछ कट ही कर लो। अच्छा तो अभी कुछ दिनों पहले आपकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हुई। वेव तो ठीक से कर लो पहले। गंदी तरह मार रहे। तो उस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे को मार रहे हैं। हाँ। मेरी वीडियो पिटते हुए की? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। वीडियो हमारे पास। हेलो लॉडी भाई, जल्दी आ जाओ, लड़ाई हो गई। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बंदूक लेके आ रहा हूँ। इन्होंने मारा है? This is real life, see, not TikTok, so. के थायो? के थायो? फैन 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 चल रही है। सॉरी भाई, भाई गलती, फिल्म चल रही है। गलती हो गई। चल रही है। फैन फैन। लॉडी भाई, लॉडी भाई, लॉडी भाई। हाँ। ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। अच्छा। क्योंकि आपको पता है मैं फेमस इतना हूँ और मेरी इतनी फेस वैल्यू है ना, तो मेरी फेस वैल्यू सबको थोड़ी थोड़ी मिली हुई है, तो ये मेरे जैसा कोई बंदा है, बिकॉज मैं फेस वैल्यू इनटू 100 हूँ। तो आजकल टिकटॉकर और यूट्यूब के बीच में, अरे यार सॉरी, ये दिक्कत इनटू 100 हो गई। दिक्कत को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम जाएं? अरे नहीं, बैठो 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 बैठो, आप क्यों जा रहे हो? आम गाय, मैं लड़का हूँ, मैं यहीं चेंज कर सकता हूँ। आप बस ना कैमरा प्लीज थोड़ा नीचे रख दो, वो ना थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। हाँ प्लीज़ नीचे कर दो। कैमरा ना मैं करवाना पड़ता, पता है क्या कई बार दिक्कत हो जाती है, कोई वीडियो बन जाए ऐसे ना, और फेमस है ना तो फिर प्रॉब्लम आ ही जाती है। बाकी और क्या दिक्कत है, शर्ट तो मैं एक्स्ट्रा कैरी करके रखता हूँ, कब क्या ट्रांजिशन करनी पड़ जाए कुछ पता नहीं लग सकता, वही है। बाकी तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। आई एम नॉट गोना रिएक्ट टू दैट ऑल। हाँ कर लो, ऊपर कर लो, अब ऊपर कर लो। रोल तो नहीं हो रहा था ना? हाँ फिर ठीक है। अच्छा, अभी एक फेमस टिकटॉकर ने अपनी स्टोरी में कहा है कि टिकटॉक और यूट्यूब वैसे ही है जैसे यूपीएससी और आईआईटी। तो आपको क्या लगता है इस बात में, ये बात कहां तक सही है और कहां तक गलत? बहुत गलत, बहुत ही ज्यादा गलत एग्जांपल दिया। मतलब आई जस्ट कांट, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा, कोई इतना गंदा एग्जांपल, इतना घटिया एग्जांपल कोई कैसे दे सकता है। लाइक आप खुद सोचो ना, बहुत इलॉजिकल था ये, बहुत इलॉजिकल एग्जांपल, बहुत ही ज्यादा। आप खुद सोचो, यू जस्ट कांट कंपेयर टिकटॉक विद यूपीएससी, क्योंकि टिकटॉक ज्यादा मुश्किल है यूपीएससी से। ओह वाओ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर यूपीएससी जितना इजी होता ना ये, तो आज सभी फेमस होते मेरी तरह टिकटॉक पे, फेमस इनटू 100 होते सभी। पर नहीं, किसी ने सच में बोला था, समझ रहे हो? या फिर जस्ट स्क्रिप्ट? मतलब मेरे को नहीं पता, आथू, मेरा तो थूक भी नहीं निकल रहा। लॉजिक ढूंढ रहे हो? अरे मत ढूंढो, मेरी बातों का लॉजिक और टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट एक जैसा ही है, कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। 0 into 100। हाँ तो मैंने खुद की बेइज्जती कर दी। अच्छा, सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया? इंस्टेंट रिएक्शंस। मैं इतना ज्यादा टिकटॉक बनाने लग गया था, मैं रियल लाइफ में भी टिकटॉक वाली हरकतें कर रहा था।
और एक दिन की बात है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया और लॉरी हाँ बेबी जल्दी मेरे को बचाओ मेरा एक्सीडेंट हो गया जल्दी आओ लॉरी मैं भी आ रहा हूँ आप थोड़ा जल्दी बताएंगे बेबी बढ़ गए लॉरी थोड़ी देर पहले आ जाता तू बच जाती बेबी बेबी जा चुकी है ओ मेरे दिल दे महल विच रहंदी है मैनू छड के नहीं गई और उस दिन के बाद से मुझे खुद से नफरत इनटू 100 नफरत इनटू 100 ऑल ओवर द रेफरेंसेस अगेन क्वीन में एंड द ट्रांजिशंस टू आई मीन उन्हीं का यूज करके अगर इंटरव्यू कैसे पता लगेगा कि हमने कितनी स्ट्रगल की है समझ रहे हो आप हमारे शो का नेक्स्ट सेगमेंट है जिसमें हम गेस्ट का रूम टूर करते हैं तो आप अपना रूम टूर कराएंगे अरे फॉर श्योर मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आओ चलते हैं चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में इनका रूम टूर करते हैं चलिए So guys, ये लोडी भाई का रूम जैसे कि आप देख रहे हैं लोडी भाई बताइए कुछ इसके बारे में ये मेरा रूम है और ये मेरा मेकअप का सामान है और मैं अपनी सारी वीडियोस यहीं शूट करता हूँ और वीडियो शूट करने के बाद मैं वायरल इनटू 100 हो जाता हूँ तो देख सकते हो यही है लोडी भाई ये फोटो किसकी है ये फोटो इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ ये हमारे स्कर्ट मैन की फोटो है और इन्होंने हमारी पूरी कम्युनिटी का स्टैंड लिया था अब ये खुद स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं वी लव हिम स्कर्ट मैन लोडी भाई ये बैग किस लिए यहाँ पे ये बैग इस बैग में मैं अपनी सारी एसेंशियल चीजें रखता हूँ तो ये इसीलिए मैं इसको साथ रखता हूँ अपने ज्यादातर लाइक पैसे वगैरह नहीं पैसे नहीं एसेंशियल चीजें जैसे कि लिपस्टिक फाउंडेशन पाउडर कैरी के रोस्ट के बाद बर्न ऑयल ये सब पैसे कहाँ पैसे तो मैं ब्लाउज में रखता हूँ अच्छा और ये गाजर लैमिनेट हो गया हाँ लैमिनेट अरे ताकि मैं इसको यूज करने के बाद खा भी सकूं तो इसीलिए कट कर दे कट कर प्लीज सो गाइस इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और लॉडी भाई को भी बहुत सारा प्यार देना थैंक यू सो कट कर दो अच्छा लगा आपसे मिल गया अरे सेम यार मेरे को भी बहुत ज्यादा मजा आया चलो मिलते हैं कभी आगे जाके हाँ फॉर श्योर बाकी सेल्फी ले लो यार मैं कुछ कहूंगा नहीं ले लो ऐसा कौन बोलता सामने से तो बनती है आपके साथ अटना भाई थोड़ा सा ऐसे यहां से अच्छाऊंगा मैं क्या हुआ ठीक है एक सोलो फोटो ले लूं थंबनेल के लिए हाँ लो ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं ले लो I am not understanding this face facial expression Instagram पे भी कर लेना सारा सामान लिया है ना सर वो माइक ऊपर ही रह गया यार, वो रिकॉर्ड हो जाएगा कुछ लेके आ रहा हूँ सॉरी एक्चुअली मैं प्लीज आज ना तेल लगा लेना यार ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है सुनो हेलो भाई सुनो यार प्लीज गू को मत देखो चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो यूट्यूब हो टिकटॉक हो फेसबुक हो स्नैपचैट हो टिंडर हो गू मत देखो और अच्छा कंटेंट है ना चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म उसे सपोर्ट करो प्लीज बस इतना ही कहूंगा एंड गाइस पता नहीं ये वीडियो कब डिलीट हो जाए तो उससे पहले इसको जितना हो सके शेयर कर दो नहीं हुई है डिलीट एंड में एक ही बात कहूंगा यार
एंगेजमेंट दिखा दो क्या होती है। थैंक यू गाइस, लव यू। नहीं हुई ये डिलीट। आई थिंक अगर फेवरेट पार्ट, आई थिंक आई लव हाउ ही यूज्ड देयर ओन ट्रांजिशंस टू रोस्ट देम। दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। ऑल्सो पूरा ये इंटरव्यू करके लिया, देयर आर ऑफ पीपल, जैसे हम लोगों ने R2H का भी देखा था, दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी स्मार्ट वे टू पुट, कॉलिंग इट अ वायरस एंड ट्राइंग टू इराडिकेट इट एंड ऑल दैट, एंड द सेम थिंग विथ हियर। आई लव इट, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जैसे मैंने उसमें बोला था, जितना मेकअप लगाना लगा सकते हो उससे कुछ आप नामर्द नहीं बन जाते। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू पुट मेकअप, टू डांस इन एनी वे यू वॉन्ट। अगेन, इट डजेंट मेक यू एनी लेस ऑफ एनी थिंग। जो मनवाए करो, इट हैज़ टू बी यू हु शुड बी हैप्पी। लोग तो क्या, अभी वो तो बोलने वाले हैं, उनका काम है कहना, राइट? सो डेफिनेटली नॉट अग्री टू एनी ऑफ दोज पार्ट्स, बट वो तो आपको पता ही है। इफ़ यू बी वॉचिंग माई रिएक्शंस, आई स्टैंड बाई दैट ऑल द टाइम एंड आई अग्री टू इट एंड ऑलवेज स्टैंड बाई इट, नो मैटर किसका भी वीडियो हो। हाउ मच फैन आई एम विद दैट पर्सन, इफ दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग विच आई फील इज रॉन्ग, तो फिर वो मुझे डेफिनेटली बोलने का, आई मीन ऑफकोर्स हक है, बट मैं वो हमेशा बोलूंगी वो चीज ऑफकोर्स। एनी वे, आई डिड एंजॉय इट। होपफुली ये वीडियो जाएगा और कोई कॉपीराइट्स नहीं आएगा और रहेगा ऊपर, और अगर रिस्पॉन्स भी अच्छा हुआ इस वीडियो पे तो दूसरे वीडियोज आएंगे, अगर इफ दे डोंट हैव कॉपीराइट्स ऑफकोर्स। इफ दे डू आई डोंट नो, बट इफ दे डोंट श्योर लेट्स सी, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, लव यू।